प्रगति मारी लागिनी। लेकिन एक बात ध्यान रखना प्रधान, ये अगर इस बार शिकायत का मौका दिया या किसी भी गड़बड़ी की खबर आई तो तुम्हें सजा पाने से कोई नहीं रोक। मासा, ये पत्थर तोड़ने का काम आप छोड़ दो, ये भारी काम आपसे ना हुए। अरे अगर आप टूट गए तो ये घर भी टूट जाएगा। आप एक ही तो सहारा हो हम सबका। छोरी छोड़ दे, ते तू भी तो स्कूल से थक के आवे है। ना दादी साहब, मैं तो स्कूल में बैठे बैठे पढ़ू, इसलिए मारे शरीर में थकान ना आई। जा आराम कर जाके। पर दादी साहब, आप और बापू साहब तो दिन भर धूप में और पत्थरों की धूल में काम करे, इतना भारी काम करके तो आप लोगों को कितना थकान आ जाता होगा। हमें पता है दादी साहब, ये सब मारने वजह से ही हो रहा है। आप चिंता ना करो दादी साहब, अभी मैं आपके ऐसे पैर दबाऊंगी कि आपकी दर्द तुरंत भाग जाएगी। आप बस देखती जाओ। छोरी कभी कभी मन ने तो बड़ी प्यारी लगी है। मन ने पता है दादी साहब कि आप मुझसे बहुत प्यार कर रहे हो, आप परिवार में सबसे बड़ी हो ना, इसीलिए आपके पास घर की सारी जिम्मेदारी है। और मन ने पता है कि इसीलिए आप कभी कभी मन्ने डांट देती हो। तू ठीक कहवे है छोरी, पर अपने परिवार की चिंता तो मन्ने करनी होवे है ना। दादी साहब, कुछ आराम मिला के? हाँ छोरी, बड़े ही अच्छे पैर दबा रहे हैं, नस नस से दर्द खींच ले रहे हैं तू। Thank you.
मास्टर ने। हमारे को कानून मत सिखा, कानून आवे हमारे को। इस छोरी ने कोई छोटा मोटा गुनाह ना किया, हमारे छोरे का खून भाया है। मन तो कर रहा है कि इसके पूरे खानदान की गर्दन उड़वा दूं। सुनो रे गांव वालों, अगर कल के बाद ये छोरी स्कूल गई तो बनवारी का हुक्का पानी बंद। टीचर जी, आप बहुत अच्छी हो, आप हम बच्चों को बहुत सारी ज्ञान की बातें बताते हैं, लेकिन ये मसला हमारे परिवार की जिंदगी का है। एक तरफ आपका ज्ञान है और दूसरी तरफ हमारे परिवार की जिंदगी। ये सब तारे कारण हुआ है। बड़ा शौक था ना तुझे आंदोलन करने का, कर लिया ना आंदोलन। देख, तालो पड़ गए हो बनवारी के घर में, तालो। बनवारी को घर से बाहर निकाल दिया गया, ये सब थारे कारण हुआ है। कौन आया? गाड़ी खम्मा टीचर जी। खम्मा गाड़ी, क्या बात है बिरजू इस वक्त यहाँ, कोई जरूरी बात? ये बताएं टीचर जी, ये सरपंच का अत्याचार तो बढ़ता ही जा रहा है। अंदर आओ, बैठ के बात कर। अब बताओ बेटू, क्या बात है? पता ना के चाहे जे राक्षस। अब क्या किया उसने? अब आपको के बताऊं टीचर जी, गांव में जीना मुहाल हो गया। पता ना कब उसके पाप का घड़ा भरे। ये पंडित पुराण बाचे हैं कि पाप का घड़ा भरने के बाद ही पापी को सजा मिले। अभी और कितने पाप करेगा जे पापी, आखिर कब मिलेगी इसे सजा? मिलेगी, उसे सजा जरूर मिलेगी बिरजू। समय बहुत ताकतवर है, उसने बड़े बड़े आतताइयों का अंत किया है। इस सरपंच की क्या बिसात। लेकिन कब टीचर जी कब? ये सरपंच के टोटे जैसे जहर का धंधा एक दिन पूरे गांव को खत्म कर देगा। वो दिन दूर नहीं टीचर जी, जब सारे किसान उसके टोटे के नशे के गुलाम बनकर अपने खेतों में सिर्फ डोडा पीने के लिए मजदूरी करेंगे। ऐसा दिन कभी नहीं आएगा बेटा, ऐसा मैं कभी नहीं होने दूंगी। मैं जल्द ही सरपंच का भांडा फोड़ दूंगी। कहीं से कोई भी मुझे सबूत मिल जाए। टीचर जी, सरपंच का डोडा ट्रक में भर भर कर जावे, पर यहां तो सब अंधे घूंघे बहरे बंदर बनकर बैठे। ट्रक मतलब? मुझे पूरी बात बताओ। जी टीचर, ये तो आपको मालूम ही होगा ना कि सरपंच ने इस बार गांव के सारे किसानों से बहुत सारी डोडा उगवाई है। तो मुझे बता सकते हो ये ट्रक कब, कहां और कैसे जाएगा? टीचर जी, मैं अपने आंखों देखी और कानू सुनी बात कहूंगा। अगली बार ट्रक जब भी भरेगा मैं आपको खबर कर दूंगा, पर आप उसे रोकोगी कैसे? ये पुलिस भी तो उसके पैसों के पट्टे से बंधे कुत्ते ही हैं, उसके खिलाफ क्यों जाएंगे? तुम इसकी चिंता मत कर, उसका बंदोबस्त मैं कर दूंगी। जी ठीक है टीचर, मैंने जैसे ही मालूम चलेगा आपको खबर कर दूंगा। अभी मैं निकलता हूँ।
राम राम टीचर जी। जब तक सरपंच की पैसे की रीढ़ की हड्डी नहीं टूटेगी ये झुकेगा नहीं। इसे जमीन पर लाने के लिए सबसे पहले इसका अभिमान तोड़ना होगा। प्रगति बहुत ही सही वक्त पर आई हो तुम। मैंने आपसे कुछ काम था, आप कहीं बाहर जाने की तैयारी कर रहे हो क्या? हाँ प्रगति, एक केस के सिलसिले में एक्चुअली कुछ दिनों के लिए शहर जा रहा हूँ। प्रगति तुम उदास क्यों हो? देखो मेरा काम इतना जरूरी नहीं है, उसे टाला भी जा सकता है। तुम बताओ कि बात क्या? काका वो तो ठीक है, पर मैंने अपनी टीचर जी से मिलने का बहुत मन हो रहा था। कई दिनों से मिली नहीं हो ना, तो उनकी बहुत याद आ रही थी। हाँ प्रगति, तुम्हारी टीचर जी से तो एक बार मुझे भी मिलना है। आखिर देखूं तो सही कि वो है कौन जिनकी तारीफ हमारी प्रगति रात दिन करती है। काका कब चल रहे हो आप? कब क्या, कल ही चलते हैं भाई, शहर में बाद में चला जाऊंगा। ठीक है, पर काका दादी सासे तो आपको ही बात करनी पड़ेगी, वो मैंने दुलारा ना जाने देंगे। मासा की चिंता तुम बिल्कुल मत करो प्रगति, मैं सुबह तक उनको मनाने के लिए कोई ना कोई कहानी बना ही लूंगा। सच में काका आप बहुत अच्छे हो। अच्छा, तुम्हारी टीचर जी से भी अच्छा हूँ क्या? काका ये तो बहुत मुश्किल सवाल है। ठीक है कोई बात नहीं, कल मैं मिलूंगा उनसे और फिर तुम्हारे सवाल का जवाब ढूंढने में तुम्हारी मदद करूंगा। लेकिन अब तुम पढ़ाई करने के लिए जाओ, नहीं तो मासा समझेगी कि हम दोनों के बीच में कोई खिचड़ी पकड़ी, समझी तुम? ठीक है काका, हम मैं चलती हूँ, सुबह मिलते हैं। ओके बाय। आ जाओ। भाई साहब, भाई साहब मैं अपने किसी काम से शहर जा रहा हूँ। कल प्रगति ने मुझसे कुछ किताबें लाने को कहा था, तो सोच रहा था कि प्रगति को अपने साथ ही ले जाऊं। वहाँ हम किताबें भी खरीद लेंगे इसकी। इसमें पूछने की क्या बात है रणवीर भाई, प्रगति पे थारा हक भी उतना ही है जितना हमारा। और मैं जानू प्रगति से थारा प्यार और लगाव बहुत है, तुम जो भी करोगे प्रगति के भले के लिए करो। बिल्कुल ठीक कहा भाई साहब, प्रगति अब मेरी बिटिया जैसी ही तो है। ले जाओ इसे अपने साथ। भाई मैं तो ठहरा अनपढ़ आदमी, मुझे ये कापी किताब का चक्कर ना समझ आवे कि इसे किए चाहिए किए ना। अब धूला राव में तो टीचर जी थी, वे सब समझावे थी इसे, और यहाँ हम बड़ी किस्मत वाले कि आप हमारे साथ हो। भाई साहब प्रगति है ही ऐसी। जो भी इससे एक बार मिल ले वो इसी का होके रह जाता है। और हाँ भाई साहब, आप प्रगति की चिंता बिल्कुल मत कीजिए, उसकी पढ़ाई लिखाई की पूरी जिम्मेदारी अब मुझ पर है। काका ये तो आपकी अच्छाई है कि आप दूसरों के अंदर छुपी अच्छाई को झट से जान जाते हो।
लीजिए भाई साहब, सवाल किया नहीं कि जवाब आप ही गया। इसलिए कहता हूं कि तुम्हारे सामने मेरी एलएलबी की डिग्री भी हमेशा कम पड़ जाती है। यही तो तुम्हारा टैलेंट है जो तुम्हें दूसरे बच्चों से अलग करता है। लेकिन अब तुम जल्दी जाओ और किताबों की लिस्ट लेकर आओ जो हमें शहर से लेनी है। हमें जल्दी से निकलना है भाई। हाँ काका, अभी लेकर आती। अच्छा रणवीर, हम चलेंगे, हमें देर हो रही है। अच्छा तुम लोग संभल के जाना है और ध्यान रखना अपना। जी भाई, जल्दी आ जाना। हमारी फसल काटने की कोशिश कर रहे हैं ना, यो ना हो सके। छोटू बाबूसा, आप ऐसा नहीं कर सकते हो। हमारे बाबूसा ने ये फसल बहुत मुश्किल से उगाई है। ओए बड़वाई, अपने इस छोरी को हमारी नजरों से दूर रख। जब भी इसे देखूं ना, तुम्हारे शरीर में सर से लेके पैर तक आग लग जाए। चल भाग, अरे भाग ना। इस गांव से लगे 10 गांव तक रियासत है हमारी। अपने परिवार को लेके हमारी रियासत के बाहर चले जाना, क्योंकि अगर कल सुबह की पहली किरण से हर इस मनहूस परिवार की परछाई भी हमारी रियासत पे पड़ी ना, तो तारे प्राण और तुम्हारे और तारे परिवार के इस शरीर को रेगिस्तान के चील कौओं को खिला दूंगा। क्या हुआ प्रगति, क्या सोच रहे? कुछ ना काका। पुरानी बातें याद आ गई ना? बताओ ना, अपने काका से क्या छिपाना? हाँ काका, पुरानी बातें याद आ रही है। यहीं पे हमारा पूरा बचपन बीता और अब यही रास्ते मने पराए लगे। ऐसा लगे कि मैं इन रास्तों को पहचानूं, पर जो रास्ते मने ना पहचाने उस सरपंच और गजोदर ने सिर्फ हमारा घर ही नहीं, हमारा गांव, हमारी यादें, हमारी टीचर जी, हमारा स्कूल, हमारी सखी सहेलियां सब कुछ छीन लिया। इसमें ज्यादा दुखी होने की जरूरत नहीं है प्रगति। इस दुनिया में चंद लोग ऐसे हैं जो अपने घटिया स्वार्थ के चलते हर चीज पर अपना कब्जा जमाना चाहते हैं, और इनके स्वार्थ का लालच इतना घटिया होता है कि ये दूसरों के दिमाग पर भी कब्जा जमाना चाहते हैं। लेकिन तुम घबराओ मत, ऐसे लोगों की संख्या बहुत कम है। इस दुनिया में अच्छे लोग भी बहुत सारे हैं।
इस दुनिया की हर घटना अच्छे और बुरे लोगों के बीच के संघर्ष का परिणाम। काका, आप देखना, एक दिन मैं इन लोगों से अपना घर, खेत, खलिहान सब वापस लेके रहूंगी, और यही हमारे जीवन का पहला लक्ष्य है। लेना, बिल्कुल लेना प्रगति, लेकिन तुम्हारे किसी भी काम का उद्देश्य बदला नहीं होना चाहिए। इस दुनिया में कोई भी काम बदले के उद्देश्य से मत करना प्रगति। काका, मुझे प्रगति बनना, मैं जानूं कि प्रगति बदला लेने से नहीं बल्कि विकास के रास्ते पर बिना रुके चलने से होती है। बिल्कुल सही, ये हुई ना स्पेशल प्रगति की स्पेशल बात। अब चले। बंदूक की गोली से ना बचेगी वो। बस अरे हुकुम, उसके साथ वो छोरा रणबीर भी है, जेके साथ चौहानपुर की हवेली में आपसे झड़प हुई थी। वही छोरा लाया है जे छोरी को। भाई लेकिन उस झड़प के बाद दुनिया में हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है वो छोरा।